रूसी सैनिक के फायरिंग का वीडियो आया सामने है। रूसी सैनिक ने GM-94 राइफल से किया हमला, मकान के खंडर में छिपकर हमला हुआ है। इन्फेंट्री अटैक है ये। रूसी फौजी के हाथ में जो हथियार है उसे GM-94 राइफल के नाम से जाना जाता है, जो दुश्मन के ठिकानों पर गोली नहीं ग्रेनेड बरसाता है। 10 मीटर की दूरी से ये घातक हथियार दुश्मन के होश उड़ाती है। अमूमन इसका इस्तेमाल किसी इमारत में छिपे दुश्मन को वही नस्तनाबूद करने के लिए किया जाता है। यूक्रेन के जंगी मैदान में तैनात ये रूसी सैनिक इस राइफल की खासियत का पूरा फायदा उठा रहे हैं और एक मकान के खंडहर में छिपकर विध्वंसक हमले कर रहा है। दूसरी तस्वीर में यूक्रेन की सेना रूस पर हावी होती दिख रही है। यूक्रेन ईरान से मिले कामिकाजी ड्रोन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन ने छोटे हथियारों से इस ड्रोन का काम तमाम कर दिया। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में धुआंधार जंग चल रही है। जंग के इस मुहाने पर यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर से पलटवार किया है। यूक्रेनी सेना रूस के आर्मी व्हीकल्स को निशाना बना रही है और हर दिन तबाही की नई ताबीर लिख रही है।